जितने बोल रहा हूं ना उससे ज्यादा तो तुम्हारा तो आदो क्यों चोर को मालूम होता है कि कितनी चोरी किया है तो पकड़ने वालों को भी मालूम होता है कि अरे इससे बचा रहा तो मेरे पास है तो, तो इसलिए मैं खुलवा खुलना नहीं रहा हूं चुनाव आयोग की निगरानी निर्देशन घोटाला हो रहा है चुनाव आयोग को मालूम है तो फिर चुनाव आयोग भी घोटाला करने वाली मशीन बनाने का काम कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग को मालूम है कि यदि पेपर ट्रेल मशीन लगाए नहीं वो इमिया मशीन उतार करते हैं हर मशीन है पेपर ट्रेल मशीन, उसमें कागज के टुकड़े गिरकर बैग बॉक्स में पड़ते रहे, इसलिए ये एस बुक एस बैरल पेपर है। पेपर ट्रेल मशीन क्या है? एस बुक एस एंड वो कैसे वो क्या वो वोट का रिकॉर्ड कौन जगह रिकॉर्ड होता है ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है पेपर टेल मशीन में जैसे आप बटन दबाते हो आपको से दिखाई देता है सात सेकंड रुकता है सात सेकंड रुकने के बाद वो स्टैप लगाया हुआ एंड पेपर कट कर नेट बॉक्स गिर जाता है वो पेपर टेल मशीन बाकी कागज का वो, वो इकट्ठा हो जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यदि कैंडिडेट को रिजल्ट मंजूर नहीं है तो वो कलेक्टर को लिख कर दे सकता है कि मुझे रिकाउंटिक चाहिए आपको याद होगा बैलेट पेपर में पे रिकाउंटिक होता था और कभी कभी आरा हुआ जीत जाता था जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था। उसी तरह से चुनाव आयोग को मालूम था कि हमने ईवीएम भी अपने किया हुआ है। पेपर तेज मशीन में स्टैंप लगाएंगे। वोट है। गैसिप। अरे बताओ। यहां पर आपने पंजे पर स्टैंप मारा। यहां पर आपने कमल के फूल बरामद। कमल के फूल वाला बैरेक पर पंजे में मिक्स नहीं हो सकता पंजे वाला स्टैंड पेपर गवर्नर के फुल में मिक्स नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग 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 है। दोनों के फिजिकल अलग है। और दोनों अलग आखियों से दिखाई देते हैं और ये बैरेट बॉक्स में टुकड़े गिर कर जमा होते हैं और अगर विकाउं करने का ऑर्डर जैसे बैलेट पेपर में होता है वैसे रिकाउंटिंग कांची मतों की गिती हुई क्या होगा ईवीएम ने जो घोटा था किया वो पेपर ट्रेन में पकड़ा ईवीएम मशीन ने जिसको जिताया वो तो पेपर ट्रेन ने, और पेपर ट्रेन बनाती टैट जीतते ही फिटिकल इविडेंस के साथ जीतेगा और जीतते ही चुनाव तबिस्तर देश द्रोह आम पदमा चले कंटेप्ट कोर्ट का अगर गेज जलता है वो छह महीने की सजा हो देशद्रोह का मुकदमा चलता है तो फांसी की सजा होती है। इसलिए चुनाव आयोग को तो मालूम है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है पेपर ट्रेड में घोटाला पकड़ा जाता है फिजिकल एविडेंस के साथ पकड़ा जाता है इसलिए पेपर ट्रेड लगाना यानी बसी पर चढ़ जाता है। वो तो चुनाव आयोग ने 2014 में जीरो पॉइंट थर्टी थ्री लगाया मगर लगाया इस तरीके से कि देश के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है नागालैंड नॉर्थ ईस्ट ना आसाम त्रिपुरा तो के आगे लोगों को तो पता ही नहीं चला आठ अक्टूबर दो हजार तेरह को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया किसी अखबार ने खबर नहीं छापा किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर नहीं छापा अखबार के फ्रंट पेज पर खबर छपनी चाहिए इतनी बड़ी खबर थी लैंडमार्क जजमेंट था यदि दो ये दिखा जाना चाहिए था एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहिए था देश के सारे समस्त नागरिकों को मतदाताओं को जागृत करने की जिम्मेदारी थी अखबार वालों की मीडिया वालों की क्योंकि अखबार और मीडिया में जो जाने हैं, वो कोई साबुन का मन बाब को साबुन करना है साबुन प्रोडक्ट करना है तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर आप साबुन का साबित कर सकते हो मगर कोई अखबार या मेडिया चलाना चाहते हो इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत आप तो परमिशन लेनी नहीं पड़ती है क्योंकि वो चलाने की इजाजत नहीं है संविधान के आठवीं उन्नीस के तहत लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस ए फंडामेंटल राइट है आठवीं उन्नीस के तहत रेशन पब्लिकेशन एक्ट बनाया गया अलग से कानून बनाया गया उसके तहत अनुमति लेटर अखबार और, और जिम्मेदारी है कि ये कोई खंडा करने वाला नहीं है मेडिया ये देश की प्रजा को जगाने दिये दिये दिये। है गार, को के लिए इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया ये चार स्तंभ है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ इस तरह से स्टार संवैधानिक तो महत्व है और इसके अंतर्गत अखबार चाहे जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी थी से मतदाता जगाने का काम करते अरे जगानी के तो छोड़ो एनीडोरे लिखने की छोड़ो वादों ने इस खबर को फ्रंट पेज पर तो छोड़ो अखबारों के पिछवाड़े में भी नहीं छाप रहा सिद्धर की खबर नहीं जाप मीडिया तेज लंबा मीडिया बहुत ताकतवर होता है मीडिया को बहुत लुभ डरते मीडिया बहुत ताकतवर होता है और से बहुत लोग करते हैं मैं क्या कह रहा हूं मीडिया तेज दौर का काम है सबूतों के साथ कह रहा हूं क्यों कर रहा है कभी सोचा आपको क्यों कर रहा है क्योंकि जितना भी चित्रा मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका आधिक बनिया और इस देश में जो कादातन है वो बनिया के रिप दूसरी बात पत्रकार 99.99% परसेंट पॉइंट नाइन्टी तो देश पत्रकार जो बेटा है बनिया ब्राह्मण प्रचार नाथ्य इसका नाम हमने रखा बनिया ब्राह्मण प्रचार इसलिए वो जागते थे पे फुटादा होता है और फुटा की खबर अगर छापेंगे तो सारे पर भी पवा इसलिए खबर नहीं छापी ये उसकी असली वजह खबर नहीं छापने की वजह से लोगों को तो पता तो ही तो नहीं चला लोगों को यह भी पता नहीं चला कि इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया क्यों पर खबर नहीं छापी तो लोगों को पता ही नहीं है ईवीएम पैदा होता है पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है खबर नहीं छापी इसलिए लोगों को पता ही नहीं है जब लोगों को पता ही नहीं है ईवीएम में घोटाला बनता है तो पेपर ट्रेट मशीन घोटाला पकड़ने के लिए लगाने का आदेश दिया नहीं दिया नहीं, नहीं है लगा रहा है ये भी पता नहीं नहीं लगा रहा है ये भी पता नहीं क्या की दे रहा है ये भी पता अरे इसका कोई मीनिंग नहीं तो खबर ही नहीं लोगों को पता नहीं ये सारी बातें चुनाव आए भी जानता है और चुनाव आए ने ये जानते हुए एक ताला कहवाया